जब भी कोई बॉलीवुड अभिनेत्री शादी के बंधन में बंधती है तो सबसे ज्यादा चर्चा उनके ब्राइडल लुक की ही होती है। फिलहाल मौनी रॉय का दुल्हनिया अवतार सुर्खियों में छाया हुआ है। एक ही दिन में मौनी दो बार दुल्हन बनी। पहले मौनी ने सूरज के साथ मलयाली रीति रिवाज से शादी की, इसके बाद वो बंगाली दुल्हन बनी। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चे मौनी के साउथ इंडियन ब्राइडल लुक के हो रहे हैं। रेड एंड व्हाइट साड़ी में टेम्पल ज्वेलरी पहने मौनी मलयाली दुल्हन के लुक में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वैसे मौनी से पहले कई और ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो साउथ इंडियन वेडिंग कर चुकी हैं। ऐसे में उन अभिनेत्रियों ने भी साउथ इंडियन दुल्हन बनकर खूब तारीफें बटोरी थी। तो देखिए कौन कौन सी अभिनेत्री हैं इस लिस्ट में शामिल। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने साल 2018 में कोंकणी और सिंधी रीति रिवाजों से दो बार शादी की थी। 14 नवंबर को कोंकणी रीति रिवाज से हुई शादी में दीपिका साउथ इंडियन ब्राइड बनी थी। चूंकि दीपिका कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली से आती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी विरासत को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशन के हिसाब से शादी में कांजीवरम साड़ी पहनी थी। दीपिका ने शाइनी सिल्क और गेजा गोल्डन साड़ी सोने और कुंदन के गहनों के साथ पहनी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन। बच्चन फैमिली की बहू रानी ऐश्वर्या राय मैंगलोर की तुलु भाषी बंट परिवार से आती हैं। साल 2008 में जब ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन के साथ सात फेरे लिए थे, तब वह तुलु दुल्हन की तरह सजी थीं। अपनी शादी पर ऐश्वर्या ने ब्राइट ऑरेंज कलर की ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी पहनी थी। साथ ही उन्होंने पारंपरिक मुंडेल, जो की एक प्रकार का मांग टीका और माथा पट्टी होता है, वो भी पहना था। तुलु दुल्हन बनी ऐश्वर्या सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। शिल्पा शेट्टी। ईयर 2009 में शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ शादी की थी। इस शादी में साउथ इंडियन और पंजाबी रीति रिवाजों का मेल दिखा था। तुलु दुल्हन के तौर तरीके से सजी शिल्पा ने डिजाइनर तरुण तहलियानी की डिजाइन की हुई साड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। काजोल। बंगाली काजोल और पंजाबी अजय देवगन की शादी मराठी रीति रिवाज से हुई थी। चूंकि काजोल की मां तनुजा मराठी फैमिली से आती हैं, ऐसे में काजोल हरे रंग की कॉटन साड़ी के साथ सोने और कुंदन की लाइट ज्वेलरी और महाराष्ट्रीय नथ पहनकर मराठी दुल्हन बनी थी। तामझाम से दूर रहने वाली काजोल का दुल्हन लुक बेहद सादा था। ईशा देओल। ईशा देओल पंजाबी जट परिवार की बेटी है। ईशा के पिता धर्मेंद्र पंजाबी जाट हैं, जबकि माँ हेमा मालिनी तमिल ब्राह्मण। भरत तख्तानी के साथ शादी के मौके पर ईशा ने अपनी माँ हेमा मालिनी की इच्छाओं और उनके कल्चर को खास इम्पोर्टेंस दिया था। ईशा तमिल दुल्हन की तरह सजी थी और उन्होंने गोल्ड की टेम्पल ज्वेलरी पहनी थी। जेनेलिया डिसूजा। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने अपनी अपनी संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए क्रिश्चियन और महाराष्ट्रियन वेडिंग की थी। महाराष्ट्रियन वेडिंग में जेनेलिया भी साउथ इंडियन ब्राइड की तरह ही तैयार हुई थी। हैवी साड़ी पहने जेनेलिया ने मोतियों से बना पारंपरिक मुंडावल्य पहना था, जो महाराष्ट्रियन शादियों में दूल्हे और दुल्हन द्वारा खास तौर से पहना जाता है। इसके साथ ही जेनेलिया ने पारंपरिक महाराष्ट्रियन नथ भी पहनी थी। श्रीदेवी। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी फिल्म मेकर बोनी कपूर से शादी करके उनकी दूसरी पत्नी बनी थी। बोनी और श्रीदेवी ने बेहद सादे समारोह में साउथ इंडियन वेडिंग की थी। अपनी शादी के मौके पर श्रीदेवी भी साउथ इंडियन दुल्हन की तरह सजी थी। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपने प्यार को शादी का नाम देने के लिए लाख पापड़ बेले थे। तमिल ब्राह्मण परिवार से आने वाली हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ तमिल रीति रिवाज से भी शादी की थी और ये शादी उनके घर पर ही हुई थी। अनीता हंसनदानी। अनीता हंसनदानी ने रोहित रेड्डी के साथ गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। अनीता और रोहित ने साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी की थी। इस वेडिंग के लिए अनीता ने गोल्डन बॉर्डर वाली व्हाइट कांजीवरम साड़ी पहनी थी। अपने लुक को पूरा करते हुए अनीता ने गोल्ड और पर्ल की ज्वेलरी पहनी थी और बालों में गजरा भी लगाया था।